नमस्कार प्रो कबड्डी सीजन 6 का 128वां मैच और तेलुगु टाइटंस ऑफिशियली प्लेऑफ्स के रेस से बाहर हुई। टाइटंस अपनी बी टीम के साथ मैट पे उतरे। राहुल चौधरी, नीलेश शालुंके, विशाल भारद्वाज, किसी को प्लेइंग सेवन में जगह नहीं मिली। टीम में यंगस्टर्स रजनीश, अरमान, रक्षित को जगह मिली और खेल के आखिरी में इन युवा खिलाड़ियों ने वॉरियर्स को टक्कर भी दी। मनिंदर ने खेल की शुरुआत 2 पॉइंट रेड से की, वहीं रजनीश खाली हाथ वापस लौटे। जैंग कुन ली के शानदार 4 पॉइंट सुपर रेड ने बेंगाल वॉरियर्स को एक मजबूत शुरुआत दी। रजनीश ने टीम के लिए पहला पॉइंट स्कोर किया और बैक टू बैक 2 सुपर टैकल ने तेलुगु टाइटंस की खेल में वापसी की। 36 मिनट में टाइटंस ने स्कोर लेवल किया 7-7 पे और अगले ही मिनट में फरहाद रेड के दौरान अपना कंट्रोल खो बैठे और स्टेप आउट कर बैठे, जो कि थलाइवर्स के लिए सुपर टैकल साबित हुआ। तेलुगु टाइटंस की तरफ से पहला हाफ में अरमान ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए शानदार 10 पॉइंट स्कोर किया, पर वॉरियर्स ने लीड बनाए रखा और हाफ टाइम में 8 अंकों के बढ़त के साथ गए। स्कोर रहा 23-15। दूसरे हाफ में बेंगाल वॉरियर्स ने मोमेंटम बनाए रखा और खेल वन साइडेड रहा। हालांकि तेलुगु टाइटंस ने वापसी की कोशिश की, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। आखिरी मिनट में टाइटंस ने पहला ऑल आउट इम्प्रूव किया, जिसका खेल के परिणाम पे कोई असर नहीं हुआ और बेंगाल वॉरियर्स ने एक आसान जीत हासिल की 39-34 के फाइनल स्कोर के साथ। मनिंदर सिंह एक बार फिर वैल्युएबल साबित हुए अपने 12 अंकों के साथ 15 रेड अटेम्प्ट्स में और अपने पीकेएल करियर का 500 पॉइंट्स भी पूरा किया। तेलुगु टाइटंस की तरफ से युवा अरमान ने बेहतरीन खेल दिखाया और शानदार 13 पॉइंट्स स्कोर किया। अटैक में टो टच, हैंड टच, रनिंग हैंड टच जैसे स्किल्स देखने को मिले, वहीं डिफेंस में एंकल होल्ड, चेन टैकल और ब्लॉक। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और नए वीडियोस अपलोड नोटिफिकेशन के लिए बेल प्रेस कीजिए।